हाय स्टूडेंट्स, बहुत ही चैलेंजिंग चीज आपने चुनी है जो नीट है, आपको देना होगा तभी आपने ये वीडियो ऑन किया। आप फ्यूचर एस्पिरेंट होंगे या हो सकता है 2021 में आप देना चाह रहे हो या हो सकता है 2022-23 में आप प्लान कर रहे हो, बट आज का वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है। इट मस्ट बी ए बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेटजीज टू क्रैक नीट 2021। क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम नीट 2021 को क्रैक कर लें, कहां से हम बच नहीं सकते। जनरली मैं अगर 100 बच्चों से एज ए फिजिक्स टीचर, एज ए डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट, अगर मैं 100 बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे परहैप्स 97-96 बच्चे कहते हैं कि उनकी फिजिक्स बहुत वीक है, पेरेंट कहते हैं फिजिक्स से भागता बच्चा। और 2-3 बच्चे जरूर ऐसे मिलते हैं जिनका फिजिक्स कोई बहुत बड़ा हवा नहीं होता। तो आज हम देखते हैं क्या मार्क्स चाहिए हमें नीट के लिए, कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या जेन्युइनली नीट टफ होता है और कट ऑफ का क्या रोल होता है, इजी पेपर आने का क्या रोल होता है, टफ पेपर आने का क्या रोल होता है। और अगर आपको इस वीडियो से आपके स्ट्रेटजी में कोई हेल्प मिलता है तो जरूर मुझे बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में अभी जो करंट सिनेरियो है, इस 720 मार्क्स में जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ होता है वो जनरली 550 प्लस माइनस 20 मार्क्स कह सकते हो आप। इस साल का पेपर थोड़ा इजी आया है तो कई स्टेट में कट ऑफ ऊपर जाएगा, इट वेरी स्टेट टू स्टेट आल्सो। ये वेरीज क्यों करता है, बिकॉज जैसे उत्तराखंड स्टेट में ले लो तो कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता, कम बच्चे होते हैं। यूपी में कट ऑफ ज्यादा होता है, दिल्ली में कट ऑफ ज्यादा होता है, तो हर स्टेट का कट ऑफ का अपना क्राइटेरिया होता है। तो अगर मैं मान लूं एक स्टैंडर्ड 550 स्कोर करना है आपको, फिर 570 भी देखेंगे, तो 360 नंबर का बायोलॉजी होता है, बायो होता है, 180 का फिजिक्स होता है और 180 का केमिस्ट्री होता है। यहां केमिस्ट्री लिख देता हूं बिकॉज फिजिक्स सबसे ज्यादा आप लोगों से कम प्यार पाता है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री को आप लाइक करते हैं, फिजिक्स सबसे ज्यादा बेकार सब्जेक्ट है आपके लिए। मेरा मानना है 300 नंबर से कम आप इससे इसमें स्कोर करते हो तो मुश्किल होता है। इसमें आपको कम से कम 130 स्कोर करना होगा, इसमें 120 स्कोर करना होगा अगर आप टारगेट करते हो 550। मैं केवल मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो 180 इज द लिमिट। अब बेटा किसी भी कीमत पे आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स से हम बच नहीं सकते, अब भाग नहीं सकते फिजिक्स से। आप अगर 360 और 180 भी स्कोर कर लो तो ये हो जाता है 540, 100% स्कोर करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो 550 से नीचे आ रहा है, फिजिक्स से आप बच नहीं सकते। बिकॉज कई बार बायोलॉजी में 5-6 क्वेश्चन भी अगर आपका गलत हो गया और 5-6 आपसे छूट गया तो आप इस 300 या उससे नीचे आ जाएंगे। और केमिस्ट्री में भी अगर आपने 5-6 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2-3 गलत कर दिए, 2-3 छोड़ दिए, तो इतना आ गया, तो फिजिक्स में आपको इतना चाहिए ही चाहिए, तो आप बचेंगे कैसे। अब जो फिजिक्स का पंगा है ये एक बहुत बड़ा पंगा है केमिस्ट्री में। अब अगर हम लोग 520 का प्लानिंग करें तो हमें 310 यहां पर लेना चाहिए आइडियली, 135 यहां और 125 यहां। ये मैं बेटा मिनिमम की बात कर रहा हूं। ये सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। अब मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, एक रिवर्स बताने वाला हूं। अगर हमारी स्ट्रेटजी फिजिक्स में 150 से लेके 170 लाने की हो, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस वीडियो फॉर टॉपर्स, जो रैंक टॉप 20, टॉप 100 है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, उनके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ये वीडियो उनके लिए है, दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस, जिनको डॉक्टर बनना है, जिन्होंने सोचा है बचपन से अपने प्लान लेके चल रहे हैं उन्हें डॉक्टर बनना है, वो इमेजिन करते हैं अपने आप को एज ए डॉक्टर इस सिचुएशन में जो कोरोना पीरियड में, वो इमेजिन करते हैं अगर वो डॉक्टर होते तो ज्यादा हेल्प करते पब्लिक की। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर हम प्लान करें तो मेरा जो रिवर्स प्लान होगा वो फिजिक्स में प्लान होगा, अगर इनके बीच की बात करें तो 160,
फिर आप यहां पे कंफर्टेबल हो जाओगे, रैंकर अपने आप हो जाओगे। आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 5 साल का पेपर उठा के देखिए, जो लेवल ऑफ यू नो क्वेश्चंस है एवरी ईयर दे आर डिक्रीजिंग, नीचे जा रहे हैं, कंपटीशन लेवल टफ हो रहा है। एक आध साल में लास्ट ईयर थोड़ा सा कंसेप्चुअल था 2019 में, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फंडामेंटल बेस्ड है, फंडामेंटल बेस्ड। अब ये फंडामेंटल क्या होता है, ये जो फंडामेंटल क्या होता है ये जरा डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, या बॉटनी एंड जियोलॉजी के हो, मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल का, जब आपको जो हेडिंग स्टार्ट करता है आपका टीचर, जिस दिन आपका टीचर कोई एक हेडिंग स्टार्ट करता है, जब फिजिक्स टीचर सपोज मैंने स्टार्ट किया कूलम्स लॉ, तो जो पहली दिन की कुछ बातें होती हैं वही बेटा फंडामेंटल होती है, दोज आर द फंडामेंटल थिंग्स। अब इस साल के पेपर में मैंने उसका एनालिसिस का एक वीडियो डाला, आप जरूर देखना, भले ही आप पेपर दिए हो नहीं दिए हो, इतने फंडामेंटल आए कि बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चों को लगा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, इन सब पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आए। अब परमिटिविटी पूछ दिया गया बच्चे को, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस याद था, परमियाबिलिटी पूछ दिया गया, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस याद था बच्चे को, रिलेटिव डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक पूछ दिया उसे रिलेटिव याद था या कॉन्स्टेंट के टर्म में याद था। 3 क्वेश्चन एक फंडामेंटल पे बेस्ड। अब जिस बच्चे का ये एक नहीं आया उसका 3 गलत हो गया। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन, उसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट डाल दिया। एक सिंपल केस ऑफ पुली, जब हम पुली स्टार्ट करते हैं day 1 पे, तो day 1 पे हर टीचर वो एटवुड मशीन वाला क्वेश्चन करता, वो पूछ दिया गया आपसे। कहां गए वो बड़े क्वेश्चंस जो आप करते हो, न्यूमेरिकल्स करते हो, इतनी मोटी मोटी बुक्स फिजिक्स की सॉल्व करते हो आप, और आप बेसिक क्वेश्चंस नहीं करके आए। अगर आपने ये साल दिया है तो क्या आप ऐसी प्रिपरेशन करोगे, ऐसे डॉक्टर बनोगे? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो day 1 से सीरियसनेस लेना होगा, आखिरी के टाइम में रोने से, आखिरी के टाइम में सीरियस दिखाने से, रात रात भर 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में कोई चीज नहीं हो पाती। इतना बड़ा सिलेबस आप सोचो एक दिन में रिवाइज कर लो, खूब पढ़ के एक महीना आप घर पे हो गए, आखिरी के दिन आपने कोचिंग नहीं आना बंद कर दिए और घर पे पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स का एक बड़ा क्लियर सा एक इंप्रेशन जा रहा है कि मेरा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बेटा आप ऐसे केसेस में आप जानते हो सबसे ज्यादा कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की अगर आपका सिलेक्शन रुका है तो। और ये चीज 2021 में ना हो तो आपको कुछ चीजें तो एकदम क्लियर करनी पड़ेंगी। पहली बात, आपको टीचर पे अपने बिलीव करना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे वाई है, चाहे जेड है, चाहे कहीं भी पढ़ो, तो किसी के भी स्टूडेंट हो आप, आपको एक टीचर चूज करना होगा। चूज करते टाइम टीचर को आप तरीके से वाइजली आप सर्च करो, बिकॉज आज के टाइम में बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब देखे हैं, सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं टीचर्स, बेवकूफ बनाते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं देखता हूं, जब वो ऑनलाइन उनकी पढ़ाई चल रही है, उनके सबके पोल खुल रहे हैं, सब हंसी मजाक जोक्स यही चल रहा है क्लास में, कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, बेसिक्स नहीं बताए जा रहे हैं, सीधे न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, इतना हैवी फिजिक्स नहीं है। फंडामेंटल क्लैरिटी लाओ और नीट की सीट ले जाओ, day 1 से आपको पढ़ना है। आपको फिजिक्स पे उतना ही फोकस करना जितना बायोलॉजी पे करते हो, बायोलॉजी पे उतना ही फोकस करना है जितना केमिस्ट्री पे कर रहे हो, केमिस्ट्री पे उतना फोकस करना जितना अदर सब्जेक्ट पे कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो, सारी चीजें वो करो जो उससे समझ में आए, टीचर से बात करो, सेल्फ स्टडी करो, अपना टाइम बढ़ा दो। लेकिन आप ऐसे कह के कैसे काम चला सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? यू जस्ट एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज,
डॉक्टर बनना याद रखिएगा, अगर आपको बनना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो आखिरी में रोओगे। और मैक्सिमम बच्चे रो रहे हैं, और उनके पेरेंट्स जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने पूरा उम्मीद लगा रखा था, जिन्होंने उन पे पैसे खर्च किए, उन पे अपना फेथ खर्च किया, और बच्चों के कहने पे ही उन्होंने उनको कोचिंग दिलाई, जो चीज बच्चों ने डिमांड की पेरेंट ने लाके दी, और आपने उनको बहुत बुरा सरप्राइज दिया। अगर आपने एफर्ट किया, मेहनत की, पूरी ताकत लगा दी और सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, सिलेक्शन इज नॉट द ओनली थिंग। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए केवल डॉक्टर ही बनना था, लेकिन आप अफसोस तब होता है जब आप पूरा एफर्ट नहीं लगाते हो और आपका अंदर से मन है डॉक्टर बनने का, आप एफर्ट नहीं लगाते हो, आप हवा में उड़ते हो, आपके इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस बीच में होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जो आप तैयारी के टाइम होता है, और आखिरी में आप रोते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना आसान, इतना मजाक अगर यह होता तो 15 लाख बच्चों में सिर्फ, अगर आपके लिए कहने को 70,000 सीटें हैं, आपके लिए कितनी सीटें हैं जी? पूरे इंडिया का 15% और अपने स्टेट का 85%। किसी भी स्टेट के बच्चों के पास 5,000-6,000 से ज्यादा सीटें नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट 70,000 सीट्स, ये मिसकंसेप्शन मत पालिए। ऑल इंडिया में आपके लिए 15% सीट्स हैं, आपके स्टेट में आपके लिए 85% सीट्स हैं, और आप बच नहीं सकते। फिजिक्स बहुत टफ लगता है, केमिस्ट्री एवरेज लगता है, बायोलॉजी में 360 भी ले आओ सिलेक्शन नहीं होता। और याद रखना, हर सब्जेक्ट, हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक मुझे नहीं आती और मैं इसको छोड़ दूंगा। 11 फिजिक्स कम आ रही है, इस साल बहुत कम आई है, तो 11 फिजिक्स छोड़ देंगे, काम चल जाएगा। हर पार्ट आपका काम आता है, और इजी क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन कराते हैं। इजी क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन इसलिए कराते हैं क्योंकि उसे हर कोई करता है, अगर उसे छोड़ दोगे तो गया, सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका। तो इस साल आप एकदम स्ट्रेटजी बनाइए, इस चक्कर में मत पड़िए कि पहले सिलेबस खत्म कर लूं फिर टेस्ट दूं। टेस्ट से अपने आप को चेक करते रहिए, टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन। कि पहले सिलेबस खत्म कर लूं फिर टेस्ट दूंगा, सर जी 5वां चैप्टर चल रहा है, हम पहला रिवाइज कर रहे हैं, अभी करंट का टेस्ट नहीं दे सकते। अरे महाराज, अगर 5वां टेस्ट चल, सिलेबस चल रहा, चैप्टर चल रहा, तो 5वां आप क्लास में नहीं पढ़ोगे और पहला रिवाइज करोगे तो क्लास में 5वां तो आपसे गया, फिर जब 6वां पे आएंगे टीचर तो आप दूसरे पे पहुंच जाओगे, 6वां भी चला जाएगा, फिर 7वें पे तो आप 3रे पे जाओगे। सेल्फ स्टडी करके अगर हर कोई पढ़ लेता तो दुनिया भर की, इंडिया की सारी कोचिंगें बंद हो जाती, सारा स्कूल बंद हो जाता, सब लोग सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं। और ये यूट्यूब, मैं खुद यूट्यूब आपको देता हूं, बट यूट्यूब का अगर यूज, इस्तेमाल बढ़िया से नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, अगर यूट्यूब से हर कोई पढ़ ले तो कोचिंग बंद ना हो जाए? मैं अगर यूट्यूब पे पढ़ा दिया, सब कुछ दे दिया, तो मेरे पास कोई क्यों आएगा? टीचर का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी, डांट बहुत जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है क्लास में, कंपटीशन, जब आपका दोस्त आपसे ज्यादा नंबर लेके आएगा आप कम लाओगे, एक बच्चा जो आपको दिख रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके नंबर आपसे राइज जाए करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा मुझे उस तरह से बिहेव करना है, तब मेरे नंबर ऐसे बढ़ेंगे। और ये काम करोगे तभी सिलेक्शन होगा। मैं दिल से चाहता हूं आप लोग का सिलेक्शन हो इस साल, आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो नेचुरली देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।